दोस्तों आप लोग देख सकते हो पूरे पुलिस लोग लगे हुए हैं, और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अभी रास्ता ओपन है, नहीं तो रास्ते पूरे बंद रहते हैं। दोस्तों देख सकते हो पूरा ऊपर से छतरियां वगैरह लगाई गई है ना, राइट और लेफ्ट साइड से पूरी लाइटिंग वगैरह लगाई गई है, और मतलब एक बहुत ही प्यारा नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग अंदर में एंट्री करते हैं तो ये पूरा रोड सजाया गया है, पूरी लाइटिंग वगैरह लगाई गई है। सो हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों अभी बज चुके 11 और मैं अभी आ चुका हूँ मोठा ताजबाग। सो बने रहिए और वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। दोस्तों देख सकते हो यार, मतलब पूरा का पूरा पंडाल सजा दिया गया है, ऊपर पूरे झूमर वगैरह लगाए गए हैं, है ना, पूरा लाइटिंग वगैरह लग चुकी है, पूरे पेड़ को वगैरह लाइटिंग लगा दी गई है और पूरा सजा दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। चलिए चलते हैं अंदर और कराता हूँ आपको बाबा जी के दर्शन। दोस्तों एंट्रेंस में पूरा झूमर लगा गया है, लाइटिंग का झूमर, उसके पीछे में मेन एंट्रेंस गेट, और ये पूरा पंडाल सजा दिया गया है ना, और इसके लेफ्ट साइड में स्टेज वगैरह लगा गया बना हुआ एक सिस्टम है, पूरा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। शाही इमाम मस्जिद ताजाबाद मेन एंट्रेंस गेट, पूरा झूमर वगैरह लगाया गया है। चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों यहाँ पे आते ही राइट साइड में लंगर खाना है, और अंदर आते ही हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की तरफ से सभी का स्वागत। देख सकते हो पूरा लाइटिंग वगैरह लग चुकी है, पूरे झूमर वगैरह लग चुके हैं यहाँ पे। राइट साइड में भी देख सकते हो दोस्तों, पूरा लाइट्स वगैरह लग चुके हैं, पूरा डेकोरेशन कर दिया गया है। ये भी बिल्डिंग देख सकते हो। दोस्तों अंदर भी पूरी लाइटिंग्स वगैरह लग चुकी है, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि इसका पूरा डेकोरेशन वगैरह चालू है, है ना, अपन मुहर्रम के टाइम पे आए थे। ये है मेन एंट्रेंस मोठा ताजबाग का, आप लोग देख सकते हो, है ना। दोस्तों रात का समय होने के कारण पूरा कवर करके रख दिया है ना, तो अपन समाधि के दर्शन नहीं कर सकते, आपको बाहर से ही करने पड़ेंगे ऐसे ही। हिंदुस्तान के उलाम जमा की जो भी बात थी, हिंदुस्तान से लेकर बैरून 28 से 29 मूल। दोस्तों देख सकते हो पूरा लाइटिंग, पूरी डेकोरेशन वगैरह, पूरा मतलब इतना प्रसन्न वातावरण यहाँ पे लगता है आने के बाद कि बस। दोस्तों यहाँ पे विश्राम करने के लिए अलग से टेंट बनाए गए हैं ट्रस्ट की ओर से, यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा इरफान नाम है और मैं नागपुर से हूँ, यहाँ ताजबाग शरीफ में आया हूँ। बहुत उर्स की अच्छी तैयारी किया गया है और यहाँ कव्वाली का इंतज़ाम भी रखा गया है, और लंगर के साथ और बाहर के लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जे 101 वर्ष से उर्स जब मौके थे आओ बधे के मुबारकबाद दिया, तो अना के गुजारिश करा तो हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया जे दरगाह ते अची ने खाली जोली भरी ने, खाली जोली गिरी ना चो जोली भरी नहीं बोलो, सरकार जो कोल है इंशाल्लाह आई फैज थी ने जिन्ना, और इन मौके पर आई के बधे के मुबारकबाद दिया, तो नागपुर मेमर जमात जे तरफ से नागपुर ताज
हजरत ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट की तरफ से फारूक जिकर बावला आए के मुबारकबाद दिया। तो दोस्तों 101वां उर्स मतलब ताजुद्दीन औलियाना बाबा जिस दिन पर्दा गिरा था वो दिन मतलब उर्स ऐसा माना जाता है। और इन लोगों का ऐसा कहना है कि अभी ये जो घटना है ये दुखद घटना है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि बाबा कब्र में आराम करते हैं, उनकी माती नहीं होती है, तो इसलिए सालाना उर्स सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। और इस समय 101वां उर्स नागपुर के महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हो पूरी लाइटिंग्स वगैरह लग चुकी है, पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। दोस्तों एक सच बात बताओ, जब मैंने सर का इंटरव्यू लिया तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 50 लोग जम चुके थे आजू बाजू में, क्योंकि मेरा जो पहला चैनल है 55K हो चुके हैं उसके ऊपर। और जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा वो चैनल के ऊपर वो वीडियो आएगा, सो ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा कि मतलब वो सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे। मुझे भी मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मैं एम्बेरस फील हो रहा था, क्योंकि ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ लाइफ में कि मैंने किसी का इंटरव्यू लिया हो और इतने सारी पब्लिक का अट्रैक्शन। उस टाइम पे मैं था, उस टाइम पे मैं सेंटर में खड़ा था और सबको मैं फुटेज में ले रहा था, तो वो एक मतलब एक अच्छा भी मोमेंट था और थोड़ा सा मैं एम्बेरेस भी फील हुआ था मुझे उस टाइम पे, है ना। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ गया होगा, तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।